अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है पर आपके बर्ड्स खैरियत से होंगे। वेलकम टू MNA एवरी ऑफिशियल। आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो हम बर्ड्स का सॉफ्ट फूड बना रहे हैं ब्रीडिंग सीज़न का, जिसमें हमारा बजीगर्स आ गए, लव बर्ड्स आ गए, कॉकटेल्स आ गए और इस तरह की रिंगनेक्स वगैरह की म्यूटेशन आ गई। तो इन सब बर्ड्स को हम ये सॉफ्ट फूड यूज़ करा सकते हैं, जो बर्ड के ख़ुद के लिए भी फ़ायदेमंद है और उनके चिक्स की ग्रोथ के लिए भी फ़ायदेमंद है। काफ़ी लोग शिकायत करते हैं कि बर्ड्स के चिक्स जो हैं वो मर रहे हैं, उनकी अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही। तो इस तरह के आप एक्स्ट्रा दाने से हट के चीज़ें खिलाएंगे तो इंशाल्लाह बर्ड के चिक्स की ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी होगी और एक्सपायरी का रेशो जो है वो कम हो जाएगा। उसके अलावा कुछ लोग शिकायत करते हैं कि बर्ड ब्रीड पे नहीं आ रहे, तो इस तरह की जो डाइट है ये बर्ड को ब्रीड पर लाने के लिए भी मोटिवेट करती है और उनकी ग्रोथ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये मैं आपको पूरे बताता हूँ क्या क्या रेशो से कितनी चीज़ें हमने यूज़ करानी है, तो वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल MNA एवरी ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी लाजमी प्रेस करेगा ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो मैं क्या क्या चीज़ें अपने सॉफ्ट फूड के मिक्सचर में यूज़ कर रहा हूँ आप लोगों को भी बता देता हूँ। ये टोटल हमारे पास 5 चीज़ों के इंग्रेडिएंट्स हैं। अभी सबसे पहले हमारे पास गंदम आ गई। ये प्योर फॉर्म में गंदम जो होती है ये वो है जो चक्की वालों के पास होती है। एक इसमें हलीम गंदम भी आती है, ये वो नहीं है। अच्छा, ये हमारे पास जौ है, ये हलीम वाली जौ है। एक इसमें बकरों के लिए भी जौ आती है, ये वो जौ नहीं है, ये हलीम वाली जौ है। और ये है हमारे पास है दाल मूंग हरी वाली साबुत। एक इसमें कटी हुई भी आती है लेकिन हम साबुत वाली यूज़ कर रहे हैं दाल मूंग। ये काले चने आ गए हमारे पास और ये वाइट लोबिया आ गया। तो ये टोटल हमारे पास 5 चीज़ें हैं। एक इसमें और चीज़ भी ऐड करता हूँ मैं, जिसको हम फ्रेश कॉर्न बोलते हैं। पंजाब वाली साइड इसको छल्ली बोलते हैं और कराची वाली साइड इसको भुट्टा बोलते हैं, मकई भी बोलते हैं। तो ये मैंने 3-4 नाम बता दिए ताकि सबको इजीली समझ आ जाए। तो वो जो है हम अपना जब सॉफ्ट फूड बर्ड का रेडी कर लेते हैं तो उसी वक्त बिल्कुल ताज़ा फ्रेश लेके उसके दाने काट के वो हम इसमें मिक्स कर लेते हैं, वरना उसमें मकई का दलिया भी आता है और कटे हुए उसमें दाने भी आते हैं सूखे हुए, वो भी कुछ लोग भिगो लेते हैं इसी में मिक्स करके। तो वो मैं यूज़ नहीं कर रहा, फ्रेश कॉर्न लेके उसके दाने निकाल के वो यूज़ करता हूँ। वो ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और ताज़ी की बात अपनी ही होती है, उससे ताज़े से हट के तो कोई चीज़ नहीं होती। तो हम बिल्कुल ताज़ी मकई के दाने यूज़ करेंगे इसमें जब हम अपने सॉफ्ट फूड बर्ड को सर्व करने लगेंगे। तो चलें इनको मैं मिक्स करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले इस तरह का कोई सा टब या तसला टाइप चीज़ ले लें जिसमें मिक्स कर लें। तो ये हमारे पास सबसे पहले आ गई गंदम। ये मैंने जैसा आप लोगों को बताया ये प्योर फॉर्म में चक्की वाली गंदम है। तो हम टोटल 5 kg का अपना सॉफ्ट फूड का रेशो बना रहे हैं। तो 5 kg में हम यूज़ करेंगे 2 kg गंदम। ये हमारे पास 2 kg गंदम आ गई। और आप सब लोगों को पता ही होगा कि गंदम सबसे फ़ायदेमंद चीज़ है इंसानों के लिए भी और तमाम किस्म के जानवर और परिंदों के लिए भी। इसके बाद हम यूज़ करेंगे हलीम वाली जौ, ये 1 kg है 5 kg के रेशो में। और ये भी बहुत फ़ायदेमंद है बर्ड्स के ग्रोथ के लिए और उनके चिक्स की ग्रोथ के लिए, और सुन्नत भी है। तो सुन्नत हर चीज़ तो फ़ायदेमंद ही होती है इंसानों के लिए, तो जानवरों के लिए कितने फ़ायदेमंद होगी। अच्छा, उसके बाद हम यूज़ करेंगे दाल मूंग, ये भी प्रोटीन से भरपूर है, इसमें समझे मुर्गी जितनी ताकत होती है इस दाल के अंदर। तो हम ये भी यूज़ करेंगे 1 kg। 1 kg हरा मूंग आ गई साबुत वाली। उसके बाद हम यूज़ करेंगे काले चने, ये भी बहुत ताकतवर चीज़ होती है। तो ये हम यूज़ करेंगे 1/2 kg 5 kg के रेशो में। उसके बाद है ये वाइट लोबिया, सफ़ेद लोबिया, इसमें एक लाल लोबिया भी आता है लेकिन हम सफ़ेद वाला यूज़ कर रहे हैं। तो ये भी बहुत प्रोटीन से और फाइबर से भरपूर है। तो ये भी हम यूज़ करेंगे 1/2 kg 5 kg के रेशो में सफ़ेद लोबिया। और सफ़ेद लोबिया हमने इसलिए यूज़ करा है क्योंकि ये साइज़ में छोटा होता है और लाल लोबिया जो है वो साइज़ में बड़ा होता है, तो ये बर्ड इजीली खा सकता है, इसलिए हमने ये छोटा वाला सफ़ेद लोबिया यूज़ करा है। क्योंकि फ़ायदे दोनों के तकरीबन बराबर ही थे तो इसलिए मैंने वाइट वाला यूज़ कर लिया। आप लोग चाहें तो लाल भी ऐड कर सकते हैं, मसले वाली बात नहीं है। बाकी ये सब चीज़ों की क्वांटिटी तो मैंने आपको बता दी है। और गंदम हमने सबसे ज़्यादा इसलिए यूज़ करी है क्योंकि ये पूरे रेशो में सबसे ताकतवर और सबसे फ़ायदेमंद चीज़ है, और जो बर्ड ब्रीड पे नहीं आ रहे होते हैं उनको ब्रीड पे लाने के लिए भी मोटिवेट करती है।
और जो पेरेंट्स हैं उनको भी हेल्दी और एक्टिव रखती है, और सबसे स्पेशली जो बर्ड्स के चिक्स निकले हुए हैं, जैसे आपको पता है कि आजकल ब्रीडिंग सीजन चल रहा है, तो बर्ड्स के चिक्स की ग्रोथ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उनका उनकी ग्रोथ अच्छी करवाती है, उनका साइज़ अच्छा निकलवाती है, और बर्ड्स के जो चिक्स हैं उनका इम्यून सिस्टम भी इससे बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। तो ये सब जो है बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, आयरन फाइबर और प्रोटीन से भरपूर। तो ये बहुत हेल्दी फार्मूला है, मिक्स करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ओके दोस्तों, तो ये चेक करें, मैंने हमें सॉफ्ट फूड अपना मिक्स कर लिया है और ये इस तरह की शक्ल में आ रहा है। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है बर्ड्स के लिए, उनके बच्चों की ग्रोथ के लिए, और ये कुदरती तौर पे इसमें सब चीज़ें मौजूद हैं। कोई आपने दवाइयाँ वगैरह यूज़ कराने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इस तरह का सॉफ्ट फूड यूज़ कराएंगे उसके नुकसान मिल सकते हैं आपको, लेकिन इसका कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फ़ायदा भी है। तो अपने थ्रू आउट द सीज़न अपने बर्ड्स को ये सॉफ्ट फूड यूज़ कराना है, और हर पेयर को यूज़ कराना है, चाहे किसी पेयर के बच्चे निकले हुए हों, किसी पेयर के अंडे आए हुए हों, या किसी पेयर का कुछ भी ना हो, लेकिन आपने सब पेयर्स को ये सॉफ्ट फूड पूरे ब्रीडिंग सीज़न में यूज़ कराना है। और सॉफ्ट फूड अपना इतना बनाना है जितना आप एक महीने के अंदर अंदर यूज़ कर सकें। मैंने 5 kg का रेशो बनाया है, तो मैं एक महीने के अंदर इसको ख़त्म कर दूंगा, फिर अगले महीने मैं फ्रेश बनाऊंगा। तो आप भी इतना ही बनाएगा जितना आप एक महीने यूज़ कर सकें, फिर अगले महीने फ्रेश बनाएगा, वरना इसमें कीड़ा लग जाता है। अच्छा, तो ये सॉफ्ट फूड की वीडियो का पार्ट 1 था। इसमें मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया कि हमने क्या क्या चीज़ें ऐड करी हैं, किस क्वांटिटी में करी हैं, और उसके क्या क्या फ़ायदे थे। सेकंड पार्ट में कंप्लीट डिटेल वीडियो होगी, उसमें मैं स्टार्ट से लेकर एंड तक आप लोगों को पूरा समझाऊंगा कि हमने बर्ड को सॉफ्ट फूड किस तरह से सर्व करना है, और बर्ड को सॉफ्ट फूड देते हुए हम एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें मैं क्या क्या डालूँगा वो भी आप लोगों को पूरा दिखाऊँगा, और किस चीज़ में रखकर कैसे सॉफ्ट फूड देना है। तो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है, तो वो वीडियो आपने मिस नहीं करनी। सॉफ्ट फूड की पार्ट 2 वीडियो आपने लाजमी देखनी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा दिया, और सेकंड पार्ट लाजमी देखिएगा, उसमें मैं डिटेल से आप लोगों को समझाऊंगा कि सॉफ्ट फूड सर्व किस तरह से करना है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल MNA Avery ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी लाजमी प्रेस करिएगा, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।